सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। आज एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इस देश में क्या हो रहा है। ये रिपोर्ट तैयार की है संयुक्त रूप से CSDS और एक स्वयंसेवी संस्था है कॉमन कॉज। इन दोनों ने 22,000 पुलिसकर्मियों देश भर में और उनके 11,000 परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। आप ताज्जुब करेंगे कि हर दूसरा पुलिसमैन या उसके परिवार का व्यक्ति ये कहता है कि मुसलमान आदतन अपराधी है, अपराध उसकी आदत में है और इसकी संख्या 55% है। क्या वाकई मुसलमान अपराधी है इस देश में? और ये भाव कईयों का आपने सुना होगा, राजसत्ता में बैठे लोग भी ये बात कहते हैं, अगर सार्वजनिक रूप से नहीं कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से कहेंगे, और हम तमाम लोग लगभग यही भाव रखते हैं। कभी हमने क्या आंकड़ों में गौर करके देखा है हकीकत ठीक इसके उल्टा है? भारत में अगर आज अंडर ट्रायल और कन्विक्ट्स की कुल संख्या लें, जो करीब 5 लाख के आसपास है, थोड़ा सा कम है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मुसलमान अपनी आबादी से, उसकी आबादी है 14.5%, और जेलों, भारत की जेलों में बंद उसकी जो प्रतिशत है वो मात्र 17% है। 14% आबादी है, 17% वो है, जबकि दलित 21.2% है और जेलों में बंद 32.7% है। उसी तरह आदिवासी 8.4% है लेकिन जेलों में 12.5% वो है, 1.5 गुना उसकी आबादी के प्रतिशत का 1.5 गुना जेलों में बंद है। और यही डर मोदी जी को लगा 2016 में कि ये खबर जा रही है कि दलित ज़्यादा बंद हो रहे हैं, उनके प्रतिशत के हिसाब से दलितों के प्रति एक बायस है पुलिस में, तो मोदी जी ने NCRB, मोदी जी की सरकार ने पता नहीं क्या किया कि NCRB ने ये रिपोर्ट ही देना बंद कर दिया जो जाति के आधार पे या कम्युनिटी के आधार पे दिया जाता था। 2016 से ये रिपोर्ट आनी बंद हो गई, 2015 के बाद आई ही नहीं, और सिर्फ इसलिए नहीं आई कि जेल में दलितों का प्रतिशत उनकी आबादी के मुकाबले, जो देश में आबादी है उनके प्रतिशत के मुकाबले ज़्यादा है, मुसलमानों का नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि अगर पुलिस का ये भाव रहेगा कि मुसलमान अपराधी होता है तो इस भाव से कितने लोगों को वो कैद में डालती होगी, कैसा वो विभत्स सीन होगा कि आपका एक भाव है जो कि किसी भी आंकड़े से पुष्ट नहीं होता लेकिन देश में चर्चा है मुसलमान आदतन अपराधी है, ये कह के आप उसे तब भी 14.5% उसकी पॉपुलेशन और सिर्फ 17% वो जेल में है, जबकि इन दोनों का आबादी अगर आप जोड़ेंगे, दलित और आदिवासी, इन दोनों का अगर टोटल करेंगे आप तो ये करीब आता है 32%, 16.5% दलित है और 8.6% वो है ट्राइबल है, दोनों को जोड़ दीजिए आप तो ये 25.1% होता है। 25.1% दलितों की आबादी है और जेल में जो लोग गए हैं इन दोनों कास्ट के, उनकी संख्या 33.2% है, ऑलमोस्ट 1.5 गुना या उससे कम। तो अपराधी कौन हुआ अगर हम इसके हिसाब से ले तो? दूसरी बात, चलिए साहब आपने अपराधी इसको नहीं माना, जो सजा याफ्ता हो जाते हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों का प्रतिशत इसके मुकाबले कम है, सजा भी मिल रही है तो वो दलितों को मिल रही है, मतलब कि
अगर 17% भी आप जिन मुसलमानों को पकड़ रहे हैं उनको गलत पकड़ रहे हैं, इसी भाव से पकड़ रहे हैं, और दरअसल वो पकड़े जाने लायक नहीं, इन तीनों को जब आप जोड़ देंगे तो देश के इन इस आबादी देश के जेलों में 55% कैदी या तो मुसलमान है या दलित है या आदिवासी है, अपर कास्ट जेल नहीं जाता है, आर्थिक रूप से संपन्न है वो दूसरे किस्म के वो करता है अपराध करता है, उसको क्या ज़रूरत है चाकू चलाने की, लिहाजा उसको नहीं माना जाता कि वो अपराधी है। और आप ताज्जुब करेंगे कि दलित और पिछड़ा वर्ग इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उनकी आबादी करीब 60% से ज़्यादा होती है, लेकिन इनके लोग कम हैं। दलित सबसे ज़्यादा, आदिवासी सबसे ज़्यादा जेल में जाता है, उसके बाद दलित जाता है, उसके बाद बैकवर्ड जाता है, और उसके बाद अपर कास्ट जाता है। और इसके बरक्स अगर आप देखेंगे टोटल हिंदू पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो भी मुसलमान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। लेकिन आरोप ये लग रहा है और हर पुलिस वाला हर दूसरा पुलिस वाला कहता है कि नहीं वो आदतन अपराधी हैं, फिर दलित को आप क्या कहेंगे, लेकिन उसको कोई नहीं कहता कि दलित आदतन अपराधी है, जबकि जेल में आपने ठूसा है, आप ही ने जेल में भेजा है उस दलित को। तो ये भारत की मनस को दिखाता है। और ये क्यों ऐसा बना है भाव, सिर्फ इसलिए बना है कि पिछले 10-20 सालों में जिस तरह से एक कम्युनिटी को आपने उसके अच्छे कामों में भी आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं होने दिया और बताना शुरू किया ये अपराधी है। आपको इसी का एक चौंकाने वाला और आंकड़ा देते हैं, यह आरोप है और देश का एक मंत्री लगातार कहता है कि अगर वो अपनी आबादी कम नहीं करेंगे तो उनको पाकिस्तान भेज दो। ये भी कहा जाता है कि वो लोग लगातार लगे हुए हैं अपनी आबादी बढ़ा के, और ख़तरा ये है कि 10-20-50 सालों में ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये इस्लामिक कंट्री हो जाएगी, क्योंकि हिंदू फिर कम आबादी का हो जाएगा। सारा झूठ है। पिछले 60 सालों में अगर किसी एक कम्युनिटी ने अपनी आबादी तेज़ी से घटाई है, आबादी में डिकेडल ग्रोथ रेट कहते हैं, हर 10 वर्षीय विकास दर आबादी की जो होती है उसमें कमी आई है अगर किसी में, तो वो मुसलमानों में आई है। कितनी कमी आई है आप ज़रा देखें आंकड़े, आपको आंकड़े देख के खुद ही आप चौंक जाएंगे कि क्या हम हकीकत से इतनी दूर हैं। 1960 में 1961 के सेंसस के हिसाब से हिंदू का ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं, जो हर 10 वर्ष पे नापा जाता है, हमारे जनसंख्या सेंसस जब आता है तो ये पता लगता है, हिंदू का ग्रोथ रेट 20.76% था, 20.76% था, और तब मुसलमानों का 32.49 था, करीब डेढ़ गुना था। उस समय आबादी बढ़ रही थी, लेकिन 71 में आके आप देखेंगे कि हिंदुओं का 4% बढ़ा, 23.88 हो गया, करीब 3% बढ़ा, मुसलमानों का 3% घट गया, 30.92% हो गया। 1981 में आइए, हिंदुओं की आबादी में क्वांटम जंप हुआ, अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और 28.7% हो गया 1981 में हिंदुओं का, मुसलमानों का फिर घटा, 30.78 हो गया। 1989 में आइए, 22.71% आबादी हिंदुओं की घटी, मुसलमानों की पहली बार 32.88 हुई, मतलब अपने पहले वाले दशक से 2% करीब बढ़ी। लेकिन उसके बाद का किस्सा सुनिए, 2001 में हिंदुओं की आबादी का ग्रोथ रेट जो था वो 19.92 हो गया, मुसलमानों का 29 हुआ, 2011 तक आते आते हिंदुओं का ठहर गया 16.7 पर आ गया, मुसलमानों का 24.6 पे। अगर आप टोटल 60 साल में देखेंगे तो लगातार प्रतिशत आबादी वृद्धि का प्रतिशत मुसलमानों का कम हुआ है, और कम 60 सालों में इनका जो ड्रॉप रहा है वो 8% रहा है, हिंदुओं का सिर्फ 4% रहा है। सचेत कौन था आबादी को लेके? मुसलमान।
मुसलमान अपनी आबादी घटाना चाहता है, लेकिन हमारे पास खबर क्या आती है कि मुसलमान सब लगे हुए हैं। आप ज़्यादा ना छोड़िए, 2005 अभी UNDP ने पिछले हफ्ते एक आंकड़ा दिया और उसमें बताया कि इसको TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। आप ताज्जुब करेंगे कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो UNDP का आंकड़ा है उसके हिसाब से पिछले 10 सालों में अगर किसी कम्युनिटी ने अपनी आबादी में टोटल फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ी से घटाई है वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है, सिखों ने किया है। टोटल फर्टिलिटी रेट आज सबसे कम अगर है तो वो मुसलमानों का है, लेकिन मैसेज क्या जाता है, मुसलमान सारे लगे हुए हैं अपनी आबादी बढ़ाने में और एक दिन देश को खा जाएंगे, जबकि बिल्कुल हकीकत उल्टा है। और अगले दो दशकों में आप देखेंगे कि मुस्लिम की आबादी का ग्रोथ रेट जो है वो हिंदुओं की आबादी से कम होने लगा है और दलितों से तो ऑलरेडी कम हो गया है। अगर आप सादृश्यता लेंगे तो आप अपर कास्ट से नहीं लेंगे, वो मजबूत रहा है, शिक्षित रहा है। अगर मुसलमानों की पैटी लेंगे तो आप आदिवासी और दलित से लेंगे और तब आदिवासियों का ग्रोथ रेट ज़्यादा है आज भी, जबकि मुसलमानों का 60 साल से लगातार आबादी ग्रोथ रेट कम हो रहा है। ये है हकीकत कि मुसलमान कहीं भी हिंदुस्तान को पाकिस्तान या इस्लामिक स्टेट नहीं बना रहा, बल्कि वो ज़्यादा सचेत है आबादी कम करने में। आपको शिक्षित किसे करना है, दलितों को, ट्राइबल्स को, उनको ज़्यादा शिक्षित करना है। क्या अभी आपने कभी आरोप लगाया कि दलित हमारी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है? क्या आपने कभी कहा कि बिहार इस समय TFR पे हाईएस्ट है, बिहार की आबादी कम ही नहीं हो रही है, फैमिली प्लानिंग फेल हो गया बिहार में। आज भी अगर 3.2%, अगर नेशनल एवरेज 2.2 का हो और बिहार का एवरेज 3.2 आज भी हो, तो आरोप किस पे लगना चाहिए? देश के देशद्रोही कौन है? वो राज्य जो कि अपने फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहा, 15 साल से सुशासन है, तथा कथित सुशासन है, लेकिन फैमिली प्लानिंग आज भी फेल हो रही है बिहार में। और आप ताज्जुब करेंगे कि 50% कंडोम्स की कमी है। आप जरा सोचिए, कंडोम्स लाना कोई आसमान से तारे तोड़ना नहीं होता है, कोई भी सरकार कंडोम्स कर सकती है ना, 10-20-50 पैसे की चीज होती है, लेकिन बिहार सरकार 50% वहाँ कंडोम की कमी है, फैमिली प्लानिंग फेल हो गया। आज भी अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर है तो बिहार में है, और लेकिन इसके बावजूद वहाँ का शासन 15 साल से सुशासन बाबू अपने को कहता रहा है। तो हमें सत्य को समझना होगा, हम ओपिनियन बनाएं लेकिन कम से कम सत्य तो जान जाएं। तारीफ इस बात की करिए मुसलमानों की कि वो आबादी अपनी तेजी से घटा रहे हैं, बल्कि कोशिश करें कि ठीक हिंदुओं के समकक्ष आ जाएं। और हिंदू इस समय अगर 16-17% पे है तो अगले एक दशक में वो भी 16% पे ले आए, जिसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि 60 सालों में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अपनी आबादी का रेट ग्रोथ रेट कम किया है वो मुसलमान है। लेकिन हमें हकीकत कुछ और परोसी जाती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल क्लास को, एक खास पॉलिटिकल क्लास को सूट करता है। मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया कि आप हकीकत जान जाए आंकड़ों से, जो सरकारी आंकड़े हैं उससे जान जाए, फिर बाकी ओपिनियन आपका। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।